हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थ्री सम क्लोजेस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं आपको काफी बेहतर तरीका से इसका इंट्यूशन प्रोवाइड करूंगा ताकि चीजें आप हमेशा के लिए समझ पाएं, और आप भूलना भी चाहें तो नहीं भूल पाएं। तो प्लीज अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन क्या है? गिवेन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन एंड एन इंटीजर टारगेट, फाइंड थ्री नंबर्स इन नम्स सच दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू टारगेट। तो बेसिकली हमारे पास एक एरे दिया गया है नम्स नाम का, जिसका लेंथ एन है और एक इंटीजर टारगेट दिया गया। हमें क्या करना है, तीन इंटीजर्स को उस नम में से ऐसे फाइंड आउट करना है जिसका सम इस टारगेट के काफी क्लोज हो, ठीक है, और उस तीनों जो इंटीजर्स हैं उनके सम को रिटर्न कर देना है। और क्या लिखा है, यू मे एज्यूम डेट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और आपको एज्यूम करना है कि कम से कम हर एक इनपुट में कम से कम एक सोल्यूशन तो है ही। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन काफी विधिवत तरीका समझाता हूँ और बताता हूँ कैसे आप चीजें काफी आसानी से कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने थ्री सम जो इसका मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना सिखाया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। फॉर गारंटीड आपको समझ में आ जाएगा थ्री सम कैसे सॉल्व करते हैं और फिर थ्री सम क्लोजेस्ट कैसे होता है। अगर आप नहीं भी देखेंगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया थ्री सम क्लोजेस्ट, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे हमारे पास ए है एरे, ये हमारे पास एरे है और एक टारगेट वैल्यू दिया है वन। तो हमें बताना है कि तीन इंटीजर्स इनमें से पकड़ना है, हर एक जितने भी ट्रिपलेट एग्जिस्ट करेगा उन सब ट्रिपलेट में से सबसे क्लोजेस्ट सम किसका है इस टारगेट के कंपेयर में, ठीक है। तो अगर मैं इसका हर एक पेयर निकाल लूँ हर एक ट्रिपलेट, तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा -1 2 1, फिर -1 2 -4, फिर हमारा आ जाएगा -1 1 4, फिर आ जाएगा -2 1 -4। मतलब इतना ट्रिपलेट हमारे पास आ जाएगा, ध्यान समझो, इतना ट्रिपलेट हमारे पास आ गया। अब मैं सबका सम निकालूंगा, तो मैं देखूंगा इसका सम आ गया 2, मैं देखूंगा दो में से एक गया एक, मतलब ये आ गया -3, ये आ गया कितना 4, सॉरी -4, और ये आ गया कितना 3, और 3 -4 -1। अब देखो, इन सब में से जितना भी सम आया है उसमें से वन की क्लोजेस्ट कौन है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, हमारा टारगेट कहाँ है, वन पर, टारगेट है वन पर, लेकिन एक सम आया है हमारा कितना 2, एक सम हमारा 2 आया है, एक सम हमारा -3 आया है, एक सम हमारा 4 आया है, -4 आया है, -4, और एक सम हमारा -1 आया है। तो अब बताना है जो टारगेट है, टारगेट इससे सबसे नियरेस्ट सबसे क्लोजेस्ट सम कौन है। तो मैं देख रहा हूँ इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और जो टारगेट है इससे इसका डिफरेंस -1 का डिफरेंस कितना है, तो 1 और 2, इसका डिफरेंस है 2। जो टारगेट है इससे इसका डिफरेंस कितना है, तो 1 2 3 4, इसका डिफरेंस है 4 इस सम का, और इस सम का डिफरेंस कितना है 5। तो इन सब में सबसे नज़दीक कौन सा सम है, तो मैं देख रहा हूँ टारगेट हमारा यहाँ 1 पर है, टारगेट हमारा 1 पर है, टारगेट हमारा 1 है, इससे सबसे नियरेस्ट सबसे कम डिस्टेंस पे है क्या है, 2 है, इसका डिस्टेंस 1 है, तो आंसर क्या होगा 2। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ध्यान समझो। हमें क्या करना है, हर एक ट्रिपलेट को निकालना है, उसका सम निकालना है, और फिर कंपेयर करना है जो हमारा टारगेट है वो सबसे क्लोजेस्ट किस सम के है। जो टारगेट है, जैसे टारगेट यहाँ अगर 1 है 1, तो किस सम के सबसे नजदीक है, तो मैं देख रहा हूँ नंबर लाइन पर 2 के सबसे नजदीक है, क्योंकि -1 भी हमारा सम है, -3 भी सम है, -4 भी सम है, इन दोनों से टारगेट का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, 5 है, 4 है, 2 है, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस 1 का है जिसका वैल्यू क्या है 2। तो आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो क्या बताना है, तो सर मैं क्या करूंगा हर एक ट्रिपलेट को निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आई वेरिएबल, एक जे वेरिएबल और एक के वेरिएबल। मैं क्या करूंगा, तीन वेरिएबल रखूंगा, तीन फोर लूप चलाऊंगा, चला दिया। जब तीनों फोर लूप मैंने चला दिया तो हर एक ट्रिपलेट हमारा फॉर्म होगा, जैसे ए ट्रिपलेट हमारा फॉर्म होगा, जैसे ट्रिपलेट फॉर्म होगा मैं इसका सम निकालूंगा, और सम निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, जो इसका सम आएगा सम, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा सम माइनस टारगेट का जो आएगा यहाँ 1, वैसे ही इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, एब्सोल्यूट -3 -1 कितना आ जाएगा इसका
फोर, मतलब ये वन के डिस्टेंस पर है, ये फोर के डिस्टेंस पर है, वैसे ही कोई फाइव के डिस्टेंस पर आएगा, कोई टू के डिस्टेंस पर आएगा। तो इनमें से जो सबसे कम डिस्टेंस पर आएगा, जैसे इसमें सबसे कम डिस्टेंस हमारा होगा क्या, वन, सबसे कम डिस्टेंस पर जो होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ध्यान समझो, हम क्या करेंगे, पहले तीन नेस्टेड फोर लूप लगाएंगे और जितना भी ट्रिपलेट फॉर्म होगा उसका सम निकालेंगे, और सम निकालने के बाद उसको जो टारगेट है उसके उससे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे कि कितना डिफरेंस पर आ रहा है। तो जितना भी डिफरेंस आएगा उनमें से सबसे मिनिमम डिफरेंस पर जो सम रहेगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाएगा तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कुछ भी नहीं लगेगा तो ओ ऑफ वन तो लगेगा। तो इंटरव्यूअर बेसिक सी बात हैप्पी नहीं होगा और आपको बोलेगा ऑप्टिमाइज करने के लिए। तब आपको जाना है ऑप्टिमाइज अप्रोच पर। कैसे जाना है, तो इसके लिए आपको थ्री सम का टेक्निक पता होना चाहिए। उसमें हम क्या करते थे, पहले एरे को करते थे सॉर्ट, तो हो जाएगा -4 -1 1 और 2। और फिर क्या करते थे, एक पॉइंटर यहाँ रख लेते थे और बाकी के जो एलिमेंट बचता था उसमें जे यहाँ से और के यहाँ से, मतलब एक फोर लूप हमारा आई के लिए हो गया और एक फोर लूप हमारा वाइल लूप हो गया जे और के लिए, मतलब सिर्फ दो फोर लूप लगेगा। तो उसमें हम क्या करते थे, -1 जो -4 एलिमेंट है पहले इसको पकड़ते थे और इसको पकड़ लिए, और जे और के इसको पकड़ते थे, तो -1 +2 आंसर कितना आ जाएगा, -5 + 2 मतलब -3। ठीक है, और वैसे ही क्या करते थे, फिर मैं क्या करता था, कंपेयर करता था कि क्या जो -3 है वो टारगेट के बराबर है, बराबर नहीं है तो फिर मैं टारगेट के ओर जाता था, तो जे प्लस प्लस, तो फिर -1 +1 +2 तो कितना आ जाएगा, -4 + 3 मतलब -1, ये भी बराबर नहीं है तो फिर जे प्लस प्लस तो हो नहीं पाता था। तो फिर मैं क्या करता था, आई को यहाँ ले जाता था, जे को यहाँ और के को यहाँ, ऐसे। तो इस केस में क्या होता था, जैसे -1 +1 और +2, इस केस में हमारा क्या होता था, एक कट जाता था और टू बच जाता था, टू। ऐसे ही मैं हर एक पेयर को निकालता था, ऐसे मैं क्या करता था, हर एक पेयर को निकालता था। पेयर को निकालने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो हमारा सम है, ये जो हमारा सम है, ये जो हमारा सम है, सब निकल गया। अब इससे फिर इससे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है कि -3 -3 और -1 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो कि इसका डिस्टेंस निकलेगा। जो हम यहाँ कर रहे थे ना, यहाँ डिस्टेंस निकाल रहे थे कि कौन कितना दूर पर है, जैसे 1 की दूरी पर है, 2 की दूरी पर है, 3 ए 4 के और 5 के, तो वैसे इस केस में भी मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पड़ेगा कि टारगेट से कितना दूर है, और जो भी टारगेट के सबसे नज़दीक आते जाएगा उसका वैल्यू मैं अपडेट करता जाऊंगा, और लास्ट में हमारा जो 2 है वो आंसर हो जाएगा। तो आंसर कैसे होगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि टारगेट जो हमारा अगर 1 है और सम हमारा 2 आ रहा है, तो जो 1 है वो 2 के सबसे नज़दीक है, इसका वैल्यू 1 है, तो ऐसे आप निकाल सकते थे। सेम प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ एक फोर लूप को भगा देना है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकल कर चला आएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1। तो चलिए मैं आपको इसका ड्राइव करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो देखो हमने क्या किया, उसको पहले साइन निकाल लिया है और एरे कर लिया है सॉर्ट। सॉर्ट करने के बाद एक क्लोजेस्ट वैल्यू हमने रख लिया है, जैसे अगर यहाँ -4 -1 1 और 2 है, तो पहले के जो तीन एलिमेंट है इसको जोड़कर मैं क्या किया हूँ, क्लोजेस्ट वैल्यू रख लूंगा, तो कितना हो जाएगा, -5 + 1 मतलब -4, ये हमारा क्लोजेस्ट वैल्यू है। ठीक है सर, समझ गया, -4। फिर मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप चलाऊंगा, आई को यहाँ फिक्स कर लूंगा और जे को यहाँ और के को लास्ट में, ठीक है, जे और के, और जब तक आई जब तक जे लेस देन रहेगा के, क्या करना है मुझे, सम निकालना है, और सम निकालूंगा तो क्या होगा, अगर सम हमारा टारगेट के बराबर है तो जे प्लस प्लस करते जाऊंगा और के माइनस माइनस, नहीं तो मैं क्या करूंगा, देखो एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट माइनस सम, टारगेट हमारा कितना है 1, 1 माइनस सम हमारा कितना आया, अगर मैं आई जे और के का सम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, -4 -1 +2 मतलब -5 +2 मतलब -3। तो एब्सोल्यूट ऑफ टारगेट माइनस सम, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, अगर ये लेस देन रहेगा, एब्सोल्यूट ऑफ किसका, टारगेट माइनस क्लोजेस्ट, टारगेट का वैल्यू कितना है, टारगेट का 1, क्लोजेस्ट का कितना है -4, तो देखो जैसे 1 + 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 4 लेस देन है 5 से, हाँ अगर 4 लेस देन है 5 से तो क्या करना है, क्लोजेस्ट का वैल्यू अपडेट कर देना है सम के, सम का वैल्यू कितना था -3, सम का वैल्यू -3 था, मतलब अब सम का वैल्यू, अब क्लोजेस्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्लोजेस्ट का वैल्यू -3 आएगा। ठीक है, अगर जो सम है ग्रेटर देन है टारगेट के, सम तो हमारा कितना है, सम हमारा कितना था, -3 था, -3,
वो ग्रेटर देन है अगर टारगेट के, तो के माइनस माइनस, लेकिन सम तो यहाँ टारगेट से ग्रेटर नहीं है तो जे प्लस प्लस, तो क्या करेंगे जे प्लस प्लस कर देंगे और जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब तक जे लेस देन है के कि तब तक सारा का सारा प्रोसेस करते जाएंगे और लास्ट में हमारा क्या होगा कि क्लोजेस्ट में हमारा जो सम है टू टू इसमें अपडेट हो जाएगा और लास्ट में हम टू को रिटर्न कर देंगे। तो सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, आपको ड्राइव इन करना है, जैसे मैंने आपको ड्राइव इन करके दिखाया है तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। और सेम टू सेम वही चीज़ हमने जावा में किया है, एरे को सॉर्ट किया है, फिर क्लोजेस्ट को इसमें मैक्सिमम वैल्यू रख लिया है और फिर एक फॉर लूप लगाया है, फिर एक हमारा लो वेरिएबल और एक हाई वेरिएबल, इसको आप लो रखो और इसको हाई रखो या फिर जे रखो के रखो और ट्रिपलेट को फॉर्म करो और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, अगर इससे ग्रेटर है तो उसमें अपडेट कर दो, नहीं तो लो प्लस प्लस, हाई माइनस माइनस और लास्ट में क्लोजेस्ट को रिटर्न करना है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होगा तो ओ ऑफ वन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। प्लीज मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। और उससे पहले अगर आपको गिग्स पर गिग्स का डीएसए नोट्स चाहिए तो आप इस लिंक पर जाकर उसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल और बहुत सारे उसमें नोट्स हैं, हर एक टॉपिक को काफ़ी इन डेप्थ कवर किया गया, तो आप उसको ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे तो वीडियो के थ्रू ही समझ में आएगा, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं जो GFG का है, सी प्लस प्लस और जावा दोनों में अवेलेबल है, जो काफ़ी डिमांडेबल कोर्स है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जिससे मिलेगा आप उसको लगाकर ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहुँच जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउजर में और कोड को यहाँ करूँगा रन। तो देखो मैं क्या करूँगा, कोड को रन करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबमिट को कर दूंगा क्लिक, क्योंकि हमने काफ़ी बार इसको रन करके देखा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप देख पा रहे हैं मैंने कितना बार सबमिट किया बोले। और मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा और जावा का कोड दिखाऊँगा। तो कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको अगर नोट्स चाहिए एकदम प्रॉपर तो आप उसको ले सकते हैं, एकदम GFG का बनाया हुआ है तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।